Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन न्यूज पर. एनबीसीएन के तमाम दर्शकों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं. टॉप 20 न्यूज के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर. तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 14 उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी कर दी है. बढ़ते प्रदूषण से मुंबईकरों को राहत मिली है. दो दिनों से बेमौसम बरसात के चलते मुंबई के AQI में सुधार देखने को मिला है. आज शहर का औसत AQI 94 दर्ज किया गया है. राज्य जांच एजेंसी कश्मीर ने टेरर फंडिंग मामले में शुक्रवार को कश्मीर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्य एवं सुख समृद्धि के प्रतीक पर्व धनतेरस की बहुत बहुत बधाई. दिल्ली NCR में कल रात और सुबह तमाम इलाकों में हल्की बारिश के बावजूद प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज नहीं की गई है. भारत ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सर्वाधिक ऑनलाइन सेल्फी लेने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विस्थापित व्यक्तियों के लिए स्थायी आवास योजना शुरू की है. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद शुक्रवार को अपना हलफनामा दायर किया. आज धनतेरस का त्यौहार है और इस दिन निवेशक नई खरीदारी करना पसंद करते हैं. शेयर बाजार में भी नई खरीदारी देखी जाती है, लेकिन आज बाजार की ओपनिंग में इस त्यौहार का उत्साह नहीं दिखा है. कुर्ला रेलवे पुलिस ने बताया कि मोहन नामदेव कदम को कर्जत फास्ट लोकल ट्रेन और लातूर एक्सप्रेस पर पथराव करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. शरद पवार और अजित पवार के बीच एक बार फिर घमासान देखने को मिल रहा है. शरद गुट ने अब अजित खेमे को लेकर यह आरोप लगाया है कि उसने ECI के सामने गलत हलफनामा पेश किया है. गुरुवार को मुंबई में बांद्रा वर्लीसी लिंक पर टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार कार ने 6 गाड़ी को टक्कर मार दी. इस हादसे में 3 लोगों के मौत की खबर है. महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि सरकार को धमकियों से डर कर दूसरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और न ही गलत रास्ता अपनाना चाहिए. महाराष्ट्र में प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को प्रदूषण की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की. कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि बीजेपी जिस तरह से राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है, उससे हिंदू धर्म को खतरा है. ड्रग्स केस में पकड़े जा रहे विदेशी नागरिकों के लिए मुंबई में जल्द ही देश का पहला डिटेंशन सेंटर बनेगा. इस सेंटर में विदेशी ड्रग्स माफियाओं को रखा जाएगा, उन्हें लीगली डिपोर्ट किया जाएगा. न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में अपने आखिरी लीग मैच में श्रीलंका को बिना किसी परेशानी के 5 विकेट से हरा दिया. बाने इश्क दा कलमा फेम एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रेस्टी कंबोज के साथ सीक्रेटली शादी कर ली है. नेहा ने सोशल मीडिया पर शादी की फोटो शेयर करके सबको चौंका दिया है. सारा अली खान ने गुरुवार रात अपने घर पर दिवाली पार्टी होस्ट की थी, जिसमें कई बी टाउन सितारों ने शिरकत की थी. वही अब सारा की दिवाली पार्टी की इनसाइड तस्वीरें भी सामने आ गई हैं. बॉलीवुड एक्सप्रेस सारा अली खान हाल ही में करण जौहर के चैट शो कापी विद करण 8 में पहुंची थी, जहां उन्होंने कार्तिक आर्यन के संग अपने ब्रेकअप पर बात की. ये थी आज की टॉप 20 खबरें. खबरों का सिलसिला एनबीसीएन न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा. आप बने रहे हमारे साथ एनबीसीएन न्यूज पर. फिर से एक बार एनबीसीएन के तमाम दर्शकों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. नमस्कार.